जरूर आजकल ये काफ़ी बहस चली हुई है टेलीविज़न के ऊपर। मैंने कई ये प्रोग्राम देखे हैं अच्छा कि ये एस्ट्रल बॉडी के ऊपर, जी वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस चीज़ का दावा करते हैं कि उन्होंने, जब उनका ऑपरेशन हो रहा था या वो बेहोशी की हालत में थे, उन्होंने अपने जिस्म को देखा है ऑपरेशन टेबल पे, और डॉक्टर ने ये काम किए हैं। दूसरी तरफ वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, ये इनके दिमाग की अपनी इख्तिरा है, ये इस तरह का। हुजूर का इस बारे में क्या ख्याल? मैंने भी ये किताबें पढ़ी हैं, जी उनका जायज़ा लिया है, और मुझे तो इसमें कोई ठोस हकीकत दिखाई नहीं दी। जो मुखालफाना किताबें हैं वो भी पढ़ी हैं। असल वाक़या ये है कि नफ्सियाती लिहाज से एक शख्स का तजर्बा आलमगीर हुआ करता है, और जो इनफरादी तजर्बे हैं जो अल्लाह ताला के ख़ास सलूक के नतीजे में हों, वो यकसां आलमगीर तजर्बे नहीं होते, बल्कि इनफरादी अलग अलग होते हैं। जो किताबों में जिक्र मिलता है उसमें आलमगीरियत पाई जाती है। मज़हब का कैसा ही हो, अखलाक का कैसा ही हो, कोई जालिम हो, बद किरदार हो या मासूम हो, हर एक का एक ही तजर्बा बता रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इसका जजा सजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और मरने के बाद जो वाकयात होने हैं उनकी इन लोगों को कोई खबर नहीं है। नफ्सियाती लिहाज से जिंदगी अगर दिमाग में अभी अटकी रह गई हो और क्लिनिकल डेथ हो जाए, यानी डॉक्टरी नुक्ते निगाह से जो वो अलामतें जाहिर हो जाए जिस पर डॉक्टर कह दिया करता है कि मर गया, उसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। जो लाजिमन नहीं कि हकीकी मौत हो, क्योंकि क्लिनिकल डेथ के वापस जिंदगी में तब्दील होने के कई शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और डॉक्टर्स तस्लीम करते हैं। तो वो जो बातें हैं उनको मैं झूठी नहीं कहता, मगर वो क्लिनिकल डेथ और डेथ के दरमियान जो बरज़खी हालत है उससे ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। उसमें रूह का शऊर आँख से नहीं देखता, कान से नहीं सुनता, बल्कि वसी तर हो जाता है। तो एस्ट्रल बॉडी जो आपने लफ्ज़ कहे हैं जी उसका कुछ ना कुछ इतलाक मुमकिन है, और वो मरने के बगैर भी हो जाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आलम रोया में जो दुनिया के नज़ारे और सैरें हैं उसको भी एक किस्म के एस्ट्रल बॉडी की सैर करार दिया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपना तजर्बा ये बयान फरमाया कि एक दफ़ा मैं कमरे में बैठा, वो कागजात देख रहा था, कुछ लिख रहे थे, तो दीवार से बाहर, यानी वैसे कशफी हालत नहीं थी, उसी हालत में ये देखा कि बाहर जो सेन है उसमें जमादारनी आई है, वो कूड़ा उठाकर जिस तरह साफ करके ले जाते थे उसकी बजाय वो एक कोने में छोड़कर, धोखा देकर मैंने सफाई कर दी है, तो बाहर निकल जाती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बाहर निकल के देखा तो बैने ही उसी तरह वो कूड़ा एक उस कोने में इकट्ठा था जहाँ आपने उसको देखा। इसको आपने कोई कशफी हालत करार नहीं दिया, बल्कि एक नफ्सियाती तजर्बा के तौर पर पेश फरमाया है, और वो जो तजर्बा है वो कई दफ़ा आम लोगों को भी होता है। इसका मजहबी कदरों से या आला अखलाकी कदरों से ताल्लुक़ नहीं, इसका नफ्सियाती कदरों से ताल्लुक़ है। नफ्सियाती लिहाज से बाज़ रूह वो वसी तर शऊर हासिल करती है, और इस पर अमेरिका में ख़ास तौर पर जो ड्यूक यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत तजर्बे हुए हैं और वो शाया भी हुए हैं। उसमें उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी, बाज़ नोबेल लॉरिएट्स को भी शामिल किया है। एस्ट्रल बॉडी को वो कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। जी उसका नाम ज़रूरी नहीं एस्ट्रल बॉडी रखा जाए, वो कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में उन्होंने मुख्तलिफ डिचेस खोदी और मुख्तलिफ डिचेस के मुख्तलिफ कोनों पर बाज़ ऐसे तजर्बे किए जिससे उस रूह का ताल्लुक साबित हो सकता था, और उसमें साइंटिस्ट भी शामिल थे, और जो तजर्बे किए गए उनको एक ऐसी थर्ड पार्टी ने अलग लिख के महफूज रखा
जिसका ना तजुर्बा कराने वालों से कोई ताल्लुक था ना तजुर्बा करने जिन पर हो रहा था उनसे, ताकि दोनों का इल्म उस पर कोई असरअंदाज ना हो, ये मकसद था। उनमें से एक तजुर्बा यह था कि एक शख्स को साथ उसका कुत्ता बहुत हिलाया गया था, इतना कि एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक कायम हो गया। उसको उन्होंने, जो थर्ड पार्टी से तजुर्बा करने वाली, उन्होंने इस शख्स को सिर्फ ये पैगाम दिया, उसको नहीं बताया कि क्या है, कुत्ता है या कैसा है, ये बताया कि तुम एक डिच है, उसके फलां कोने पर, फलां जगह है, उस पर अपने आप को सोचो कि मैं वहां हूं और इस तसव्वुर में अपने आप को खो दो। तो कुत्ता जो एक और कोने में बिठाया गया था उसमें थोड़ी सी हरकत पैदा हुई और चूँचा उसने की, उसके बाद वो उठाया, पहले एक कोने पे गया, वहाँ उसको चैन नहीं आया, फिर दूसरे पे गया, फिर चैन नहीं आया, इस कोने पर आके बैठ गया और वहाँ उसको चैन मिल गया। तो ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा तजर्बा किया, बाज़ दफ़ा मिस हुआ, लेकिन जितनी दफ़ा कामयाब हुआ इसको उन्होंने जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है उसकी रूह से परख कर देखा तो कतई तौर पर यह साबित हुआ कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं है। इत्तफाकी हादसा के नतीजे में अगर हज़ार में से एक दफ़ा ये वाक़िया होना चाहिए तो मुख्तलिफ आदमियों पर जब तजर्बे हुए तो 100 में से 30 या 40 दफ़ा ऐसा वाक़िया हुआ। तो इसलिए ये तो कतई तौर पर साबित हो गया और साइंटिस्ट ने इसको मॉनिटर किया है। तो ये मुराद नहीं है कि रूह यहाँ से छोड़ कर कहीं निकल जाती है, ये मुराद हो सकती है कि रूह का की जो हिस्सियात का दायरा है वो जिस्म के दायरे से वसीतर है और वहाँ तक उसकी रसाई है अपने जिस्म से ताल्लुक कायम रखने के बावजूद। अगर ये दुरुस्त है, जैसा कि साइंटिस्ट अब तक जो बयान कर चुके, मैं फिक्शन की बातें नहीं कर रहा, टेलीविजन की किस्सों में तो बहुत सी कहानियाँ आ जाती हैं, मैं वो वाक़यात बयान कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ जाके प्रोफेसरों से गुफ्तगू भी की है, उनसे छानबीन की है, क्रॉस एग्जामिन किए है, तो उनको मैंने बिल्कुल इस मामले में मुनसिफ पाया है, बिल्कुल सच्चाई पर कायम रह कर तजर्बे कर रहे हैं। वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी का, उससे साथ बैठकर मेरी मजलिस भी हुई थी और भी उनके तलबा थे, तो मैं इसलिए अपने ज़ाती मुशाहदे पर बता रहा हूँ कि उनमें मैंने कोई कजी कोई धोखाबाजी की आमेजिश नहीं देखी और बहुत ही एहतियात से वो आलमी गवाहों की मौजूदगी में तजर्बे करते हैं। तो ये तजर्बे बता रहे हैं कि वो जो मौत के बाद के जो वाक़यात हैं उनका ताल्लुक इसी रूही सिफ्त से है, जिसने जिस्म को छोड़ा नहीं था बल्कि उसकी जो ज़ाहरी शऊर जब तकरीबन ख़त्म हुआ है तो रूह का अंदरूनी शऊर जो है वो बेदार होकर ज़्यादा वसत अख्तियार कर गया है और क्राइसिस के वक्त ये ज़्यादा मुमकिन है, समझे जी। और फरमाइए, आप फरमाइए।